नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों RPSC सेकंड ईयर भर्ती की आंसर की जारी करने को लेकर इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। चार विषय की आंसर की आ चुकी है, चार विषय की आंसर की को लेकर अपडेट है दोस्तों। कट ऑफ में क्या बदलाव देखने को मिलेगा आंसर की आने के बाद, और फाइनल आंसर की कब तक आएगी दोस्तों, रिजल्ट को लेकर भी स्टूडियो हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। साथ में अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि RPSC सेकंड ग्रेड भर्ती की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं RPSC सेकंड ग्रेड भर्ती की आंसर की को लेकर दोस्तों, जो आपकी बाकी की आंसर की रह गई हैं उसको लेकर स्टूडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, RPSC शिक्षक भर्ती की तहत चार विषयों की आंसर की जारी हो चुकी हैं। RPSC ने चार विषयों की आंसर की जारी कर दी है, इनके 6406 पद हैं और 3356 पदों की जल्द जारी होगी, यानी कि इसी वीक में आपकी जो बाकी की आंसर की हैं 3354 पदों पर वो भी जारी हो जाएंगे, जिसमें कि गणित के पद हैं आपके दोस्तों, गणित विज्ञान और पंजाबी उर्दू, इनकी आंसर की आना बाकी है दोस्तों। माना जा रहा है कि आयोग अगले चरण में चार विषयों की आंसर की जारी कर सकता है। आंसर की पर विशेष विषयों की राय ली गई, इसके बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जिन विषयों की आंसर की जारी होगी है दोस्तों, उनको यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए भी समय दिया गया है। अंग्रेजी में 4 और संस्कृत में 3% डिलीट किए गए हैं। आयोग द्वारा जिन चार विषयों की आंसर की जारी की गई है, उन सभी प्रश्न पत्रों में कुल 150-150 दिए गए थे, इन सभी की आंसर की जारी हो चुकी है। अंग्रेजी में 4 व संस्कृत विषयों में 3 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। इनके विवरण आयोग की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं दोस्तों। सोशल साइंस में आपके 1640 हैं, हिंदी में 1298 हैं, अंग्रेजी में 1668 हैं, संसद में 1800 पद हैं दोस्तों। तो आंसर की आ चुकी है, अब रिजल्ट कब तक आएगा देखिए। अभी जो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए समय दिया गया है, इसके बाद चार आंसर की और आएंगी और आपको फिर से यहाँ पर समय दिया जाएगा। 24 मार्च तक का समय दिया गया है, 12 बजे तक आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके बाद आपका रिजल्ट 15 अप्रैल तक जारी होगा। जल्द ही दोस्तों आपका रिजल्ट तैयार करने की यहाँ पर आप देख सकते हैं, जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। और आंसर की आने के बाद दोस्तों कट ऑफ में भी बदलाव होगा, क्योंकि नंबर कम ज़्यादा होंगे बोनस अंक भी मिलेंगे आपको। फाइनल आंसर की रिजल्ट के साथ आएगी दोस्तों। 15 अप्रैल तक आपका बोर्ड रिजल्ट भी जारी कर देगा। तो RPSC बोर्ड के द्वारा पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें जो मांग की गई है वरिष्ठ अदब भर्ती का 15 अप्रैल से पहले रिजल्ट जारी करके मई तक नियुक्ति देने की तैयारी बोर्ड कर रहा है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, RPSC सेकेंड ग्रेड की लेटेस्ट अपडेट के लिए। सेकेंड ग्रेड में दोस्तों अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो 8 विषयों में 9760 पद हैं दोस्तों, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। टोटल आपके दोस्तों 2 पेपर हुए थे, एक आपका GK का पेपर था, दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर था, 200 का GK का, 300 का सब्जेक्ट का। तो 500 नंबर में कट ऑफ बनेगी, 280 से लेकर 340 या 350 तक हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी, और सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करेगी कि SST में 263 है एक पद पर, हिंदी में 232 है, तो किसी सब्जेक्ट में पोस्ट कम है किसी में ज़्यादा है दोस्तों, उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, RPSC सेकंड ग्रेड की लेटेस्ट अपडेट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।